एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रही हैं, डर रहे हैं तो हो सकता कुछ तिक्रम करने की नियत से एक हफ्ते का समय और लिए हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक डिमांड हाई है। योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में छाया हुआ है। देश ही नहीं विदेश में भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए योगी के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। योगी अपने मिशन पर है। योगी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22 रैलियां करेंगे तो झारखंड में योगी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। योगी ने आज झारखंड में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और एक बार फिर विपक्ष के जाति कार्ड के जवाब में योगी के भाषण में बटोगे तो कटोगे नारे की बुलंद आवाज सुनाई दी। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में पहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। योगी के बटोगे तो कटोगे नारे में पूरा विपक्ष उलझ गया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि योगी के इस नारे का तोड़ कैसे निकाला जाए। इस बीच यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव क्या हुआ, अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख 20 नवंबर क्या हुई, अखिलेश यादव ने तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द होती सियासत में लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। आगे अखिलेश मिल्कीपुर का उपचुनाव टालना और फिर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की बीजेपी की कमजोरी बताते हैं। अखिलेश अपने पोस्ट में चुनाव की तारीख आगे खिसकाने की वजह लिखते हैं, छठ दिवाली की छुट्टी पर उत्तर प्रदेश आए लोग बीजेपी के खिलाफ मतदान करते, इसलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई। और अंत में लिख दिया, बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है। इनका जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है। तो 20 तारीख 20 नवंबर को चुनाव होंगे, अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहाँ समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास सरकारें हैं उनकी, उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों से जीत रहे हैं। तो हो सकता कुछ तिक्रम करने की नीयत से एक हफ्ते का समय और लिए हूँ।
योगी के बटोगे तो कटोगे नारे में पूरा विपक्ष उलझ गया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि योगी के इस नारे का तोड़ कैसे निकाला जाए। इस बीच यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव क्या हुआ, अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख 20 नवंबर क्या हुई, अखिलेश यादव ने तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द होती सियासत में लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। आगे अखिलेश मिल्कीपुर का उपचुनाव टालना और फिर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की बीजेपी की कमजोरी बताते हैं। अखिलेश अपने पोस्ट में चुनाव की तारीख आगे खिसकाने की वजह लिखते हैं, छठ दिवाली की छुट्टी पर उत्तर प्रदेश आए लोग बीजेपी के खिलाफ मतदान करते, इसलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई। और अंत में लिख दिया, बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है। जो डेट्स हैं जो वोटिंग डालने वाली वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है। तो 20 तारीख 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहाँ समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास सरकारें हैं उनकी, उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों से जीत रहे हैं। तो हो सकता कुछ तिक्रम करने की नीयत से एक हफ्ते का समय और लिए हो। चुनाव आयोग कहता है यूपी की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 सीट के उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी समेत कई सामाजिक संगठनों ने की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में कार्तिक पूर्णिमा पर्व की वजह से तारीख बढ़ाई गई है। समाजवादी पार्टी की बयानबाजी पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी की हार 7 दिन के लिए और टल गई। इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई सारों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती, ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए खिसकी है। उनके लिए और अवसर मिला है, वो अपनी पराजय को कैसे उसका मार्जिन कम करने के लिए तैयारी कर ले। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराएगी। उपचुनाव में सभी 9 सीटें मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 सीटों में थोड़ी सी लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी जो राजनीतिक दृष्टि से तैयारियां हैं और उसके आधार पर हम सभी 9 सीटें जीत ले तो कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई हो, लेकिन ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव की तारीख बदलने के सियासी बाई ने क्या है। आखिर तारीख ही बदली है तो फिर इससे इतनी बौखलाहट क्यों? क्या हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी है? क्या तारीख बदलने से नतीजों पर असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव के नए कैलेंडर से किसे डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।